हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व 2 कक्षा 10वीं के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो इस पुस्तक का आज हम परिचय देखने वाले हैं कि किस आधार पर, किन पॉइंट्स पर यह पुस्तक लिखी गई है, इसके मुख्य विषय क्या है, किस आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है, जिससे कि हम इसके जो बाकी जो विषय आएंगे, जितने भी अध्याय आएंगे, हम उनको अच्छे से समझ सके। तो शुरू करते हैं, भारत और समकालीन विश्व 2 का परिचय हम अच्छे से समझेंगे। तो भारत और समकालीन विश्व 2 का जो परिचय है, तो इसकी शुरुआत में हम यहाँ पर जो लिखा है, इसी के आधार पर हम इसको समझ कर पढ़ेंगे। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ राष्ट्रों की उपस्थिति स्वाभाविक मान ली गई है। यहाँ पर राष्ट्र से देशों से मतलब है कि हम एक ऐसी दुनिया में आज के समय में जी रहे हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के देश है और वो स्वाभाविक रूप से है। हमें वहाँ पर आश्चर्य नहीं होता है कि यह देश अलग कैसे है। हम लोगों को राष्ट्रों से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रीयता का हिस्सा मानकर चलते हैं। हम मानकर चलते हैं कि यह जुड़ाव आदिकाल से चला आ रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि जो अलग अलग देश बने हुए हैं, वो आदिकाल से मतलब प्रारंभ से ही ऐसे होंगे। हम देशों और राष्ट्रों को एक ही मानते हैं, दोनों शब्दों को पर्यायवाची की तरह देखते हैं। हम देशों को ऐसे एकीकृत भू क्षेत्रों के रूप में देखते हैं जिनकी एक निश्चित अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो यहाँ पर जो देश है, देश की जो परिभाषा के अंतर्गत आता है, देश या राष्ट्र क्या होता है, जिनकी एक निश्चित अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। एक सुपरिभाषित भूभाग मतलब क्षेत्र होता है, एक राष्ट्रीय भाषा होती है और एक केंद्रीय सरकार होती है। लेकिन अगर हम टाइम कैप्सूल में बैठकर 18वीं सदी के मध्य में जा पहुंचे, टाइम कैप्सूल में बैठकर मतलब यदि हमारे पास ऐसी शक्ति हो कि हम इस समय से प्राचीन समय में कब 18वीं सदी के मध्य में पहुंच जाएं और ऐसे राष्ट्रों को खोजने की कोशिश करें जैसे आज हमें दिखाई देते हैं, तो वह हमें नहीं दिखेंगे। मतलब 18वीं सदी के मध्य में आज जिस प्रकार के राष्ट्र या देश है वैसे नहीं थे। अगर हम लोगों से उनकी राष्ट्रीयता के बारे में पूछेंगे, उनकी राष्ट्रीय पहचान के बारे में पूछेंगे, तो हमारे सवालों को समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 18वीं सदी के मध्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। राष्ट्रीयता के बारे में लोगों के मन में इतनी जागरूकता नहीं थी। दरअसल उस समय राष्ट्र अपने आधुनिक रूप में नहीं थे। लोग राज्यतंत्रों, राजतंत्र मतलब जहाँ राजाओं का शासन होता है, छोटे छोटे राज्यों, रियासतों, रजवाड़ों में रहते थे, न कि राष्ट्रों में। उस समय अलग अलग क्षेत्र बने हुए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम ने एक बार कहा था कि आधुनिक राष्ट्रों का सबसे बेजोड़ पहलू उनकी आधुनिकता में नहीं थे। जी हाँ, इसके अस्तित्व का इतिहास 250 साल से पुराना नहीं है। मतलब 250 साल के पहले की जो स्थिति थी, उस समय राष्ट्र अलग अलग नहीं थे, उनकी राष्ट्रीयता अलग नहीं थी, लोग अपने को एक राष्ट्र के अंतर्गत नहीं मान रहे थे। आधुनिक राष्ट्र किस तरह अस्तित्व में आया, किस तरह लोग खुद को एक राष्ट्र से जुड़ा मानने लगे। एक राष्ट्र से जुड़ाव का भाव एक समय के बाद ही विकसित हुआ था। इस पुस्तक के पहले 2 अध्यायों खंड 1 में इसी इतिहास को समझने की कोशिश की गई है। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि पुस्तक में जो अलग अलग अध्याय दिए गए हैं वो किस बारे में। तो अध्याय एक और दो जो कि खंड 1 में है, उसमें उस इतिहास को हम समझेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रों का विकास हुआ। यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार उपजा। तो यूरोप में यह विचार सबसे पहले उपजा था, और जो हमने पिछले कक्षा 9वीं में भी पढ़ा था इस बारे में, किस तरह भूभागों को एकजुट किया गया और राष्ट्रीय सरकारें बनाई गई। यह दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया थी जिसमें बहुत सारे युद्ध और क्रांतियां हुई, बहुत सारे वैचारिक संघर्ष और राजनीतिक टकराव हुए। तो समय विचार भी लोगों के अलग अलग हो रहे थे, अलग अलग विचारों के आधार पर उनमें संघर्ष हुआ था, और इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया से राष्ट्र का विकास हुआ। यूरोप की चर्चा अध्याय 1 से हम अपना ध्यान भारत अध्याय 2 में राष्ट्रवाद के विकास पर केंद्रित करेंगे। सबसे पहले हम अध्याय 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ यह पढ़ेंगे। इसके बाद अध्याय 2 में भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ इस बारे में पढ़ेंगे।
जहाँ राष्ट्रवाद का स्वरूप उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से तय हुआ था, क्योंकि भारत जब एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हुआ था उसके पहले वह ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ये बात हम अच्छे से समझते हैं और इस अध्याय में मतलब अध्याय दो में हम इसको और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और इसके साथ ही यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्याय दो, क्योंकि इसमें भारत के आजादी के आंदोलन के बारे में भी चर्चा की जाएगी, जो कि जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार उपनिवेशिक देशों में राष्ट्रवाद नाना प्रकार से अस्तित्व में आ सकता है, वहाँ बिल्कुल अलग अलग किस्म के आदर्शों का महिमा मंडन हो सकता है और उन्हें अलग अलग प्रकार की संघर्ष पद्धतियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम एक जो औपनिवेशिक देश था उसका राष्ट्र के रूप में विकास कैसे हुआ वो यहाँ हम समझेंगे। इसके बाद यहाँ दे रखा है इन अध्यायों में राष्ट्रवाद की कहानी कई स्तरों पर आगे बढ़ेगी। इसमें आपको ज्यूसेपे मैसिनी और महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। राष्ट्रवाद को हम केवल महत्वपूर्ण नेताओं के शब्दों और कृत्यों तथा उनके नेतृत्व में घटी बड़ी व नाटकीय घटनाओं के जरिए नहीं समझ सकते, मतलब जो जो घटनाएं हुई थी उसी के आधार पर हम राष्ट्रवाद को नहीं समझ सकते हैं। हमें आम लोगों की आकांक्षाओं और गतिविधियों को भी देखना होगा, क्योंकि आम लोगों के आधार पर ही जो उनकी आकांक्षा और गतिविधियां होती है उसके आधार पर ही पूरे राष्ट्र में हलचल पैदा होती है। देखना होगा कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में राष्ट्रवाद किस तरह अभिव्यक्त होता है और वह प्रत्यक्षतः भिन्न और असंबद्ध सामाजिक आंदोलनों से निर्धारित होता है। राष्ट्रवाद कैसे फैलता है? राष्ट्रवाद मतलब एक देश का एक राष्ट्र के रूप में, मतलब हम सब एक हैं, एक देश में जो जो लोग रह रहे हैं वे सारे एक हैं, उनका एक ही भू क्षेत्र है। इस बारे में उनकी भावनाओं का विकास कैसे फैलता है ये समझने के लिए हमें न केवल यह जानना पड़ेगा कि नेता क्या कहते थे, बल्कि यह भी समझना होगा कि लोग उनके शब्दों को कैसे समझते व अपनाते थे। अगर हम इस बारे में जानना चाहते कि लोग कैसे एक राष्ट्र के साथ जुड़कर देखने लगे, तो हमें इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को ही नहीं बल्कि इसको भी समझना होगा कि राष्ट्रवादी भावनाओं को कला व साहित्य, गीत और कथाओं के जरिए कलाकारों और लेखकों ने किस तरह पोषा था। तो राष्ट्रवाद के विकास में न केवल आंदोलनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इसके साथ ही साहित्य में, कला में भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने की योग्यता थी, उनके आधार पर भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। खंड द्वितीय में हम अर्थव्यवस्था और आजीविकाओं पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने चरवाहों और वनवासियों के बारे में पढ़ा था, तो ये हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था इस बारे में, जिन्हें बीते जमाने के अवशेषों की तरह देखा जाता है, जबकि वास्तव में वे इसी आधुनिक दुनिया का हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं। इस साल हम उन घटनाओं पर विचार करेंगे जिन्हें आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। तो आधुनिकता का प्रतीक जिन्हें माना जाता है वो क्या क्या है? वैश्वीकरण और औद्योगिकरण। तो इन शब्दों को आपने सुना भी होगा, क्योंकि ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण और औद्योगिकरण आपके 9वीं में भी आपने पढ़ा होगा और आगे भी जब भी आप पढ़ोगे तो ये शब्द अधिकतर आपके कोर्स में आने वाले हैं, तो इनको समझना भी बहुत आवश्यक है। तो इस पुस्तक में हम इनको अच्छे से समझेंगे। इस भाग में हम इन बदलावों के इतिहास के विविध आयामों की पड़ताल करेंगे। अध्याय 4 में आप देखेंगे कि किस तरह भूमंडलीकृत विश्व एक लंबे और जटिल इतिहास से उपजा है। तो भूमंडलीकृत विश्व का यह मतलब है यहाँ पर कि पूरा विश्व एक ही है, पूरा विश्व एक ही भूमंडल में बसा हुआ, एक ही प्रकार से संचालित हो रहा है। यह एक लंबे और जटिल इतिहास से उपजा है। प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री, व्यापारी, मुसाफिर अपने साथ सामानों, जानकारी और दक्षताओं के लिए दूर दूर तक जाते रहे हैं। उन्होंने विभिन्न समाजों को इस प्रकार एक दूसरे से जोड़ा है। तो प्राचीन समय में जो तीर्थयात्री और व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने या तीर्थयात्रा करने जाते थे, तो इस प्रकार से वो अपनी तीर्थयात्रा के द्वारा या व्यापार के द्वारा समाज को भी आपस में जोड़ते थे। इससे सामाजिक मान्यताओं का भी आदान प्रदान होता था। खाने की चीजें और पौधों की प्रजातियां एक इलाके से दूसरे इलाके में जा पहुंची। सूचना और स्वाद बदल गए और बीमारी और मौत का दायरा भी फैल गया। तो बीमारी और मौत का दायरा भी इसी आधार पर फैला है, क्योंकि जब संपर्क हुआ तो संपर्क से भी बहुत सारी बीमारियां एक से दूसरे में फैली। हम अच्छे से समझते हैं इस बात को।
जब पश्चिमी ताकतें सभ्यता का झंडा लिए अफ्रीका के दूर दूर इलाकों में जा रही थी, वहां के बेशकीमती धातुओं और दासों को यूरोप और अमेरिका ले जाया जा रहा था। जब वैश्विक बाजार के लिए कैरेबियाई द्वीप समूह के बागानों में कॉफी और गन्ने की खेती की जा रही थी, तो इन बागानों के लिए भारत और चीन गिरमिटिया मजदूर भेजे जा रहे थे। तो गिरमिटिया मजदूर जो एक पारिभाषिक शब्द है। इसके बाद एक खंड तीसरा में आप मुद्रण संस्कृति के इतिहास को पढ़ेंगे। मुद्रण मतलब जो छपाई का काम होता है, पुस्तकों की छपाई से लेकर बाकी सारे, तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। छपी हुई चीजों से घिरे हुए हम लोगों को यह कल्पना करना भी मुश्किल दिखाई पड़ सकता है कि एक जमाने में प्रिंटिंग जैसी चीज होती ही नहीं थी। तो अध्याय जो है तीसरा खंड है, इसमें हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। अध्याय पांच में इस बात पर विचार किया गया है कि किस तरह समकालीन दुनिया का इतिहास छपाई तकनीक के विकास के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा रहा है। वहां आप देखेंगे कि छपाई ने सूचना और विचारों, बहसों और चर्चाओं, विज्ञापन और प्रचार तथा नाना प्रकार के नए साहित्य के प्रकार को प्रसार को किस तरह संभव बनाया है। तो इस प्रकार इस पुस्तक में इन सारी घटनाओं के बारे में, इन सारे इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पुस्तक में। जब हम रोजमर्रा जिंदगी के ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं तो हम इस बात को समझने लगते हैं कि दुनिया की मामूली चीजों को समझने में भी इतिहास कितना मददगार हो सकता है। तो यहाँ पर जो इतिहास की जो सारी घटनाएं, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जो भी बताया गया है, वो सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतिहास का जो विषय है आपका कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इसको अच्छे से हम समझ कर पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।